गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मुझे आपको एक कहानी सुनाने का मन हो रहा है, तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक सेलर की, जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो अपने बोट के तरफ जा रहा था, और उस बोट के तरफ जाते हुए उसको एक पैर का निशान मिला। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, चारों तरफ देखा, अपने कोई है क्या यहाँ पे। वो बेचारा किनारे पे गया, ऊपर गया, नीचे गया, पर और कोई भी पैर का निशान नहीं मिला। केवल एक ही पैर का निशान था वहाँ पर। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है, लेकिन फिर उसने गौर से देखा, नहीं, ये तो पैर का ही निशान है, क्योंकि इसमें अंगूठे का भी निशान था, उंगलियों का भी निशान था। तब उसको यकीन हो गया कि ये मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सचमुच का वहाँ पे एक पैर का निशान है। अब जो है रॉबिन्सन क्रूसो परेशान हो गया और सोच रहा है बहुत देर तक और बहुत ही कन्फ्यूज हो रहा है, देखो समझ में नहीं आ रहा है कि ये फुटप्रिंट आया कहाँ से। वो डर भी रहा है और अपने घर की ओर तेजी से भागा। और जब वो भाग रहा था, डर के मारे हर झाड़ी उसको जो है ना ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। जैसे हम लोग डरते हैं ना रात को कि अंधेरे में मत जाना, था हर जगह भूत भूत जैसा दिखाई देता है, उसी तरह से रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो भी भागा जा रहा, हर पेड़ हर झाड़ी उसको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और हर कोई जो है ना उसको कोई पीछा कर रहा है। फिर वो भागता 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 अपने गुफा की तरफ भागा। कोई भी चीता से भी ज़्यादा तेज दौड़े भागे जा रहा है। रात को बेचारा अपना गुफा में बिल्कुल भी नहीं सो पाया। बेचारा जितना सोचता था उसको केवल एक ही चीज़ समझ में आता था कि वो पैर का निशान आया कहाँ से। उसको कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूसरे देश से ना इस देश में आदमी आ गया, उसी का पैर का निशान है। पर उसको ये बात का भी डर था कि मान लो कोई अगर आदमी दूसरे लैंड से आया है तो उसने तो मुझे नहीं देखा है, लेकिन मेरी नाव तो वहाँ थी, तो उसको तो यकीन हो गया होगा कि इस लैंड पे कोई ना कोई आदमी रहता है और वो जरूर जो है दोबारा आएगा। इसलिए जो है रॉबिन्सन क्रूसो कई दिन तक डरा रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा। पर उसने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, उसको इसे ढूंढना चाहिए कि आखिर किसका पैर था, कैसे आया। लेकिन 2-3 दिन तक वो उधर गया, छुप छुप कर देखता था कि पैर का निशान वाला कोई आ तो नहीं रहा है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा हिम्मत बढ़ते गई और वो दोबारा गया। तो वो जब उस फुटप्रिंट के पास गया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे ये तो उसी के पैर का निशान है, क्योंकि बहुत दिनों से वो किनारे पे नहीं गया था समुद्र का, तो हो सकता है कि उसी का पैर का निशान हो। उसको लग रहा है कि किसी और का पैर का निशान हो। और फिर उसने क्या किया, अपने पैरों को उस फुटप्रिंट के अंदर डाला, लेकिन ये तो उससे बड़ा दिखता था उसको। फिर बेचारा डर गया, फिर दोबारा घर भाग गया, और उसको ऐसा लग रहा था कि जरूर इस आइलैंड पे कोई ना कोई आदमी आ गया है, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो तो उस आइलैंड पे बिल्कुल अकेला रहता था, तो वहाँ पे तो पैर का निशान देख के डर लगेगा ही। और इस प्रकार से रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो डर के मारे, बहुत डरा हुआ था उसको, डर के मारे एकदम तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसको अब यकीन हो गया कि जरूर इस आइलैंड पे अब आदमी जो है आकर के बस जाएगा। अच्छी लगी स्टोरी। अब इस स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार एक्सप्लेन करके बताऊँगी।